बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला की खबर सामने आई है। बजरंग दल के सहार जिला संयोजक पर जानलेवा हमला किया गया है। गौतम रावड़िया जो कि बजरंग दल के सहार जिला संयोजक है, उन पर जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है। बजरंग दल के लोगों की जान खतरे में इस वक्त दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कल बीती रात लगभग 8 बजे के करीब मरौल में बजरंग दल के कार्यकर्ता गौतम रावड़िया पर जानलेवा हमला हुआ। उनका कहना है कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों की भीड़ों ने उन पर हमला किया और उसके बाद अभी उनकी स्थिति में सुधार है, खतरे से बाहर है वो, लेकिन कल रात बीती रात 8 बजे के करीब उन पर जानलेवा हमला हुआ है। बजरंग दल के सहार जिला संयोजक गौतम रावड़िया पर जानलेवा हमला हुआ और इसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो के जरिए दी है। देखिए उन्होंने इस वीडियो में अपने ऊपर हुए इस हमले के बारे में क्या बताया। जय श्री राम। मैं गौतम कांजी रावड़िया, सहार जिला बजरंग दल संयोजक। आज करीब शाम को 11 तारीख को 8 बजे मेरे ऊपर मरोल मिलिट्री रोड पर 50-60 की भीड़ ने, मुस्लिमों की भीड़ ने मेरे पे जानलेवा हमला किया, मुझे मारा पीटा और ये मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। उन मुल्लों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसे तुम्हारे हल्ले करने से या मारपीट करने से मैं डरने वाला नहीं हूँ और जो मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ वो लड़ता रहूँगा आखिरी सांस तक। ये जो भी मूल्य हैं ये इनसे 1% भी मेरे मन में डर नहीं है और डट के मुकाबला करूँगा और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। इनको, इन जिहादियों को बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं और इनको जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी ये इनके ऊपर प्रशासन से कराने की हमने मांग की है। और आज जो मेरे समर्थन में पूरा जो हिंदू समाज उतरा और मेरे एक आवाज पे जो आया और मुझ पर जो प्यार और आशीर्वाद दिखाया और जो एकता दिखाई हिंदू समाज की, उसके लिए सभी हिंदू समाज का मैं हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और इन जिहादियों के ऊपर FIR हो गई है तो जल्द से जल्द प्रशासन से हमने मांग की है कि कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए और हम किसी भी समाज में या देश में अशांति फैलाना नहीं चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं अकेला डट कर 50-60 लोगों का मुकाबला कर रहा था, वो लोग मार रहे थे लेकिन मैंने उनको चैलेंज दिया, मर्द का बच्चा हूँ, भागूंगा नहीं, जितना मारना है उतना मारो। और मैं नहीं भागा और पुलिस प्रशासन आई और वहां से मुझे लेके गई, वहां की हिंदू समाज भी आई, उन्होंने भी मुझे मदद की, उन सभी का मैं हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार धन्यवाद। जय श्री राम।